माँ का एक कहानी, राजा था या रानी से शुरू हुई कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, पर ख़त्म हो जाती है उनके लिए जो हिंदी के प्रतियोगी, हिंदी के मित्र और हिंदी के विद्यार्थी नहीं हैं। नमस्कार मित्रों, हाईटेक हिंदी में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज हम कहानी पर बात करेंगे। हिंदी पढ़ने वाले मित्रों के लिए, जो हिंदी के प्रतियोगी हैं, उनके लिए कहानी एक खास बला होती है। अभी जो UGC नेट GRF के हमारे मित्र हैं, उनकी जो इकाई 7 है पाठ्यक्रम में, वह कहानियों पर केंद्रित है। कोरोना वायरस के चलते हम सभी इन दिनों घरों में हैं और ऐसे में पढ़ाई के दौरान बीच बीच में हमारा मन उबने लगता है, या हमें चूँकि घर से बाहर नहीं जाना है, इसलिए नहीं जाना है क्योंकि हम अपने नैतिक कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। हमें अपने देश को, अपने परिवार को और स्वयं अपने को सुरक्षित रखना है, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम घरों से बाहर ना निकलें। तब तक, जब तक कि सरकार का या व्यवस्था का आदेश नहीं होता है तब तक। तो ऐसे में आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए लेकर के आए हैं। आज हम कहानियों पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हिंदी में नई कहानी की, पहली कहानी के रूप में चर्चित कहानी परिंदे की। परिंदे कहानी NTA नेट GRF के सिलेबस में लगा हुआ है। हालांकि इस कहानी के विषय में जब हम स्नातक परास्नातक के छात्र हुआ करते थे तो हमें ये कहानी इस प्रकार बताई गई कि कहानी बहुत बड़ी है, बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, इसे समझना बहुत मुश्किल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। हाईटेक हिंदी के द्वारा आपको यह कहानी पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, और इस कहानी को समझने और पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छी, इससे आसान और इससे बढ़िया कहानी और कोई दूसरी कहानी हिंदी में नहीं हो सकती है। थोड़े से इंटरेस्टिंग तरीके से इस कहानी को हम पढ़ेंगे। इस कहानी की समीक्षा, विवेचना और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानेंगे। कहानी लिखी है इसको निर्मल वर्मा ने, तो सबसे पहले हम निर्मल वर्मा के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। निर्मल वर्मा का जन्म शिमला, हिमाचल प्रदेश में 3 अप्रैल 1929 को हुआ था। मृत्यु इनकी फेफड़े की बीमारी के चलते 25 अक्टूबर 2005 को नई दिल्ली में हुआ। ढेर सारे सम्मान और पुरस्कार से विभूषित थे निर्मल वर्मा जी। मूर्ति देवी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता, ये कुछ वे बड़े पुरस्कार हैं, वे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं जिनको पा लेने के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए एक अपने आप में गौरव और गर्व की बात होती है। इतने बड़े बड़े सारे पुरस्कार निर्मल वर्मा जी को मिले थे। अक्टूबर 2005 में उनके निधन के बाद निर्मल वर्मा को भारत सरकार ने औपचारिक रूप से नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया था। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व था निर्मल वर्मा का। ढेर सारी कहानी, उपन्यास और तमाम अन्य गद्य विधाओं में रचना करने वाले निर्मल वर्मा की कहानियों की अगर बात की जाए तो परिंदे 1958, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कौए और काला पानी 1983, कौए और काला पानी की रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सूखा और अन्य कहानियाँ 1995, ये उनके कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। उपन्यास की अगर बात की जाए तो वेदिन 1958, लालटीन की छत 1974, एक चिथड़ा सुख 1979, रात का रिपोर्टर 1989 और अंतिम अरण्य 2000, ये कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं निर्मल वर्मा जी के। यात्रा वृत्तांत की अगर बात करें, निर्मल वर्मा जी का जो जीवन था वह विविधताओं से भरा हुआ जीवन था। जीवन का अधिकांश समय उन्होंने विदेशों में प्रवास में बिताया। ऐसे में जो उनका अनुभव संसार है वह बहुत व्यापक है। जितना उन्होंने भारतीय साहित्य को पढ़ा है उससे कहीं ज़्यादा निर्मल वर्मा ने अकूत साहित्य पढ़ा है, विदेशी साहित्य पढ़ा है, पाश्चात्य साहित्य पढ़ा है। इसीलिए जो निर्मल वर्मा का पूरा सृजन कर्म है उसमें एक नवता, एक नव्यता दिखाई देती है। यात्रा वृत्तांत की अगर बात करें तो चीनों पर चांदनी 1962 में आता है, हर बारिश में 1970 और 1996 में आती है उनकी रचना, धुन से उठती धुन परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। निबंध भी खूब सारे लिखे वर्मा जी ने, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1987, भारत और यूरोप प्रतिशत के क्षेत्र 1991, इतिहास स्मृति और आकांक्षा 1991, आदि अंत और आरंभ 2001, सर्जना पथ के सहयात्री 2005, साहित्य का आत्मसत्य 2005, ये कुछ प्रमुख निबंध हैं जो निर्मल वर्मा जी ने लिखे हैं। एक नाटक भी लिखा निर्मल वर्मा ने जो 1976 में प्रकाशित हुआ, 3 एकांत।
ढेर सारी जगहों पे, ढेर सारे संस्थानों में, शैक्षिक अकादमियों में निर्मल वर्मा जी को बुलाया जाता था एक स्कॉलर के रूप में, एक वक्ता के रूप में, और वहाँ वे अपने भाषण वगैरह भी दिया करते थे। उनके साक्षात्कार और उनके पत्र भी छप करके आ चुके हैं। दूसरे शब्दों में 1999 प्रिय राम राम वर्मा जो उनके बड़े भाई थे, अवसानोपरांत और संसार में निर्मल वर्मा, ये कुछ उनके जो प्रमुख रचनाएं हैं बाद के दिनों में आई हैं। कार्यक्षेत्र की अगर बात करें तो वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला के फेलो रहे 1973 में। निराला सृजन पीठ भोपाल में जो है 1981 से 83 तक वहाँ रहे। यशपाल सृजन पीठ शिमला के अध्यक्ष भी रहे। 1988 में इंग्लैंड के प्रकाशक रीडर्स इंटरनेशनल द्वारा उनकी कहानियों का संग्रह द वर्ल्ड एस्क्वेलर प्रकाशित हुआ। इसी समय बीबीसी द्वारा उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रसारित की गई। तो इस प्रकार निर्मल वर्मा जी का व्यक्तित्व इतनी सारी खूबियों, इतने सारे गुणों और साहित्यिक प्रतिभाओं और साहित्यिक जो उनकी कार्य क्षमता है, उन सारी चीज़ों को एक प्रकार से उनसे हम परिचित हुए हैं। अब हम बात करते हैं कहानी परिंदे की। परिंदे की कथानक की अगर बात की जाए तो बहुत ही सरल संक्षिप्त कथानक है। हालांकि इसमें लंबे चौड़े विवरण दिए गए हैं, विवरणात्मक शैली में लिखी गई है यह कहानी। लेकिन अगर इसकी मूल कथा की बात करें तो जैसे हमने बचपन में कहानियाँ सुनी थी, कुछ उसी प्रकार की ये कहानी है। परिंदे एक प्रेम कथा है। कहानी के केंद्र में लतिका है, जो एक पर्वतीय आवासीय कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका और वार्डन है। मिजाज से सख्त, अंतर्मुखी और ऊपरी तौर पर रूखे स्वभाव की प्रतीत होती है लतिका। लतिका कुमायूं रेजिमेंट में मेजर गिरीश निजी से प्रेम करती है। प्रेम पूर्ण अपूर्ण की जद में उस वक्त असमय समाप्त हो जाता है जब कश्मीर में ड्यूटी के दौरान गिरीश निगी की मृत्यु हो जाती है। गिरीश निगी शहीद हो जाता है। पूर्व प्रेमी की स्मृतियों में खोई लतिका गिरीश को भूल नहीं पा रही है। वह उसकी स्मृति की स्थायी निधि बन जाता है। प्रथम प्रेम की घनीभूत स्मृति रह रहकर लतिका को गिरीश के करीब ले आती है। अतीत का ताकतवर हस्तक्षेप अनेक बार लतिका के सामान्य वर्तमान में दखल देता है, जिसे उसने सहज अंगीकार कर लिया होता है। आज जबकि गिरीश की मृत्यु को अरसा हो गया है, वह मिस्टर ह्यूबर्ट के प्रेम निवेदन को स्वीकार नहीं कर पाती। आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन परिंदों की तरह मुक्त होना चाहती है लतिका अपने अतीत से, पूर्व प्रेमी से। लेकिन यही मुक्ति का प्रश्न, नियति का प्रश्न बन जाता है लतिका के लिए। बस इतनी सी छोटी सी कहानी है लतिका की। और इस कहानी में अगर प्रमुख पात्रों की बात की जाए, जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदी के जो मित्र हैं, हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए कहानी का मतलब सिर्फ कहानी सुनना नहीं होता है। चूँकि हम कहानी लिखते भी हैं, हम कहानी पढ़ते भी हैं, और साथ ही साथ हम कहानी दूसरों को समझाते भी हैं। ऐसे में कहानी के कुछ प्रमुख पात्र होते हैं, कुछ प्रमुख बातें होती हैं जिनके आधार पर कहानी लिखी जाती है। जैसे कि उसमें कथानक होता है, पात्र होते हैं, संवाद योजना होती है, वातावरण होता है, भाषा शैली होती है, कहानी का उद्देश्य होता है, कहानी में एक शीर्षक होता है, उपसंहार भी कहानी में होता है। कुछ इस प्रकार की महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनके आधार पर कहानियाँ लिखनी शुरू हुई थी हिंदी साहित्य में। आपको पता है उसने कहा था, जो मुख्य कहानी है हिंदी की, उससे अगर बात करें तो मुंशी प्रेमचंद, जो हिंदी कथा सम्राट कहलाते हैं, ढेर सारी कहानियाँ उन्होंने हिंदी को दी हैं। और कहानी की जो एक कहानी में एक आंदोलन चला नई कहानी के नाम से, जिसकी शुरुआत राजेंद्र यादव कमलेश्वर और निर्मल वर्मा ने 1955-60 के दशक में करी थी। उस कहानी आंदोलन में पहली कहानी मानी जाती है परिंदे। इसे माना था आलोचक प्रवर नामवर सिंह ने। तो इस कहानी जो परिंदे है, जो एक प्रेम कहानी है जिसमें प्रेम का त्रिकोण आपको देखने को मिलता है, केंद्र में जिसके लतिका होती है, उसका एक सहज साहचर्य और परिवेशगत प्रेम जो होता है गिरीश नेगी के साथ, और एक दूसरा उसका जो प्रेमी ह्यूबर्ट होता है, उसके अरीब करीब ये कहानी घूमती रहती है। प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो इस कहानी में कुल 8 पात्र हैं। लतिका जो इसकी मुख्य पात्र है, मिस वुड बूढ़ी महिला है, कृतज्ञ और ओल्ड मेड के तरीके से ये बिहेव करती हैं। इसमें कुछ पात्र ऐसे हैं इस कहानी में कि कहानीकार ने जिनका चित्रण करते समय उसकी
जो शारीरिक स्थिति है, जो शारीरिक दशा है, उसका चित्रण किया है, बल्कि उनके बारे में बात बाकी कहानी में कम हुई है। जैसे मिस वुड हैं तो मिस वुड के बारे में बात कम हुई है, इसलिए कहानीकार ने स्वतः ही मिस वुड का चित्रण किया है। और कई पात्र ऐसे हैं कि जिनके बारे में कहानीकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता है, जो पात्र हैं वह स्वतः बोलते हैं, जैसे लतिका, जूली, सुधा, हेमंती, ये कुछ प्रमुख पात्र हैं। अगर बात करें हम जो है इसके पुरुष पात्रों की, तो मेजर गिरीश नेगी, जो प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है लतिका का, मिस्टर ह्यूबर्ट है, ह्यूबर्ट असाध्य रोग से पीड़ित हो जाता है, कहानी के बीच में पियानो बजाता है, मृत्यु की आशंका से ग्रसित है मिस्टर ह्यूबर्ट, दुर्बल चरित्र के रूप में से चित्रित किया गया है मिस्टर ह्यूबर्ट को। और डॉक्टर मुखर्जी एक हैं जो बर्मी हैं, फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं, दबी नाक, छोटी चंचल आँखें, प्रवास का जीवन इनके जो है, प्रवास के जो इनके सुख दुख हैं, नार्सिसिज्म है इनका, अपने विषय में बात ना करने का जो स्वभाव है, और जो आशावादी इनका व्यक्तित्व है, वो सारी की सारी बातें कई बार कहानीकार ने अपने माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, और कई बार डॉक्टर मुखर्जी के शब्दों में कहलाया है। फादर एलमंड जो है वो गिरजाघर में पादरी हैं, और करीमुद्दीन जो है वो आलसी एक कर्मचारी है उस विद्यालय का, टाल मटोल करने वाला है, और उस संस्थान से संबद्ध है, वह भी पूरे समय संस्थान में ही रहता है। तो इस प्रकार ये इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं। अब अगर इस कहानी की हम चर्चा करें तो हमें संवाद योजना और वातावरण के आधार पर परिंदे कहानी को देखना चाहिए। और चूंकि कहानी बहुत बड़ी है तो ऐसे में कहानी के कुछ जो महत्वपूर्ण संवाद हैं उन पर बात करके हमको कहानी को धीरे धीरे करके समझना चाहिए, तो कहानी हमें अपने आप समझ में आती जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि ये कहानी प्रेम कथा है। शुरुआत कहाँ से होती है? हॉस्टल के कमरे से शुरुआत होती है, कमरा नंबर 7 है, जिसमें लतिका का प्रवेश होता है, और उसमें कई सारी लड़कियाँ, रात का समय होता है, और कई सारी लड़कियाँ बैठ करके आपस में बात कर रही होती, कमरे में थोड़ा अंधेरा होता है और लैंप लेकर लतिका साथ आती है। सुधा का कमरा होता है और उस कमरे में जूली और हेमंती, जिन पात्रों के नाम जो है कहानी में बताए गए हैं, वे सभी एक ही कमरे में होते हैं, और लतिका का सवाल होता है कि कमरे में अंधेरा क्यों है। लोग बताते हैं कि यहाँ हेमंती के गाने का प्रोग्राम चल रहा है, और इस प्रकार बाद में लतिका थोड़ी सी नाराज होकर के वहाँ से जाने लगती है, और वो पूछती हैं, वहाँ जो बच्चियाँ हैं वे पूछती हैं कि मेरे संग आप स्नोफॉल देखने के लिए ठहर रही हैं या नहीं। तो इस प्रकार की बात होती है, और उसमें मैडम से वो पूछती हैं जो है कि आप छुट्टियों में घर क्यों नहीं जाती हैं, इस प्रकार का कुछ प्रश्न होता है, अभी कुछ पक्का नहीं, इस प्रकार का वो जवाब देती है लतिका। और उसने वहाँ पे कहा है कि आई लव स्नोफॉल, और इस प्रकार वो डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट और कंसर्ट चैपल है वहाँ पर, मीडोज़ है, इन सब बहुत सारी चीज़ें एक साथ घटित होती हैं। लेकिन जो कहानी का मूल मंतव्य है, जो कहानी का कथ्य है, वह है स्मृति से संबंध होना, स्मृति का लोप ना हो पाना, और एक प्रेम की जो घटना होती है, जो सहज प्रेम होता है, जो प्रथम प्रेम होता है, वह किस प्रकार लतिका को आंदोलित करता है, इन्हीं सारी बातों को केंद्र में रखकर परिंदे कहानी लिखी है। परिंदे कहानी में घटना ऐसी आती है जब वो अपने रूखे स्वभाव के कारण, जो है लतिका कहती है, जब उसे आमंत्रित किया जाता है ह्यूबर्ट के द्वारा कॉफ़ी के लिए और डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा, तो वो कहती है कि आप मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा हास्य का भाव भी संवाद के रूप में हमें देखने को मिलता है, जब जो है डॉक्टर कहता है कि चलिए ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। तो इस प्रकार जो है ये अन्य घटना के साथ उसको जोड़ा गया है। डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं कि मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जाऊंगा, बर्मा का रहने वाला है डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पर अपनी जो मातृभूमि है, या जो अपना प्रवास में आ जाने के बाद जो एक प्रवासी का दर्द होता है, उस दर्द को दिखाया गया है, उसका चित्रण किया गया है। चूँकि स्वयं निर्मल वर्मा जी प्रवास में रहे हैं, ऐसे में उन्होंने इसका इस कथन को लिख करके जो है कहीं ना कहीं उस दर्द को बयां किया है जो प्रवास में होने पर एक व्यक्ति जीता रहता है। होम सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, ये पंक्ति भी उन्होंने लिखी है कि आप चाहे जितनी व्यवस्था में हों, लेकिन अगर आप घर से बाहर हैं तो जो एक होम सिकनेस होती है, बार बार घर जाने की जो इच्छा होती है आपके मन में, उसका कोई इलाज नहीं है। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, स्प्लिट लैंप जो डॉक्टर जलाता है, और जलाते हुए कहता है, यहाँ पर इस कहानी में ये दिखाया गया है कि आज़ादी के बाद भी जो कुमायूं रेजिमेंट है, जो पहाड़
पहाड़ का जीवन है वहाँ आज भी लाइट नहीं पहुँची है, तो कुछ इस प्रकार की बात इस कहानी में दिखाई गई है। लतिका को लगा कि जैसे बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की उड़ रहे हों, इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं पहाड़ों की सुनसान निरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहां शायद वह कभी नहीं जाएगी। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी। कब? जब जो है ह्यूबर्ट ने उससे जो है अपने प्रेम का, अपने प्रणय का निवेदन किया था। किंतु भीतर ही भीतर उसे प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र, ये फ्लैशबैक में कहानी चल रही है, उसकी उम्र अभी बीती नहीं है। अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक स्त्री का जो सहज मन होता है, उम्र बीतने के बाद भी उसकी जो खूबसूरत दिखने की एक जो बात होती है, उसको कहीं ना कहीं कहानीकार ने यहाँ चित्रित करने का प्रयास किया है। स्त्री जन सहजता की जो बात है उसको चित्रित किया है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी तो केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है, उसे सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक चीज़ दिखाई गई है, ये पूरा का पूरा जो संवाद योजना है इसको मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ शामिल किया है, यहाँ दिखाया गया है कि लतिका जो है वो न केवल अपने प्रेमी गिरीश से जुड़ी हुई है, बल्कि कई बार वह चाहती है कि वह उससे अलग हो जाए। इसीलिए जब ह्यूबर्ट उससे प्रणय निवेदन करता है तो वह उसे सीधे तौर पर मना नहीं कर पाती। उसे सुख का एहसास भी होता है कि वह आज भी खूबसूरत है, आज भी युवा है, और ऐसे में वह जो है उसकी गलतफहमी को दूर भी नहीं करती है ह्यूबर्ट की। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण कथनों के माध्यम से, संवाद योजना के माध्यम से कहानी में जीवंतता लाने का प्रयास किया है निर्मल वर्मा ने, और जो कहानी का मूल मंतव्य है उसको प्रेषित करने का प्रयास किया है कि आधुनिकता बोध, नगरीय जीवन, अजनबीपन, अकेलापन क्या होता है, वो दर्द क्या होता है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह किसी को चाह सकेगी। ये कहानी में एक संवाद योजना है जो लतिका के द्वारा किया गया है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह किसी को चाह सकेगी, उस अनुभूति के संग जब वो नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है न उसे मुक्त होने देती है। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कस लिया, और जब ये लतिका ये बात बोल रही थी या कह रही थी तो वो जो है सोच रहे थे कि सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटीमेंटल। ये क्या है, लड़कियों के या स्त्रियों के बारे में जो एक पुरुष के विचार हो सकते हैं उसकी तरफ इशारा है, ये इशारा किया गया है। और यहाँ दार्शनिकता और जीवन से जुड़े प्रसंग जो निर्मल वर्मा के प्रिय विषय होते हैं उनकी तरफ भी निर्मल वर्मा ने इशारा किया है। आज जबकि तीनों के तीनों पात्र जो ह्यूबर्ट हैं, डॉक्टर मुखर्जी हैं और लतिका है जो इसके मुख्य पात्र हैं, तीनों अकेलापन झेल रहे हैं, तीनों आधुनिकता बोध से ग्रस्त हैं, तीनों जो है नगरीय बोध की जो खामियाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं उनको जी रहे हैं। तो ऐसे में वो कई बार जो है पूछते हैं, यहाँ प्रश्न है कि क्या तुम नियति में विश्वास करते हो, और नियति क्या है, यही अकेलापन, यही संशय, यही दुख जो है ये इनकी नियति है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई बेहतर काम करने को नहीं मिला। हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ कौन मुझे जानता है, यही शायद मर जाऊँगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात होती है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कहानी सुनाई जा रही है। अब देखिए, ये जो एक लाइन लिखी हुई है ये UGC नेट GRF के जो हमारे मित्र हैं, या जहाँ भी जिन विश्वविद्यालयों में परिंदे कहानी लगी हुई है वहाँ अगर आप उत्तर लेखन का काम कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। परीक्षा में बस यही कथन पूछा जाता है, परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि सब लड़कियाँ एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटीमेंटल, परिंदे कहानी में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर मुखर्जी। या पूछा जाएगा वहाँ पर कि क्या तुमने कभी महसूस किया कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है, ये कौन कहता है, ये महत्वपूर्ण बात, या इस बात को कहने का संदर्भ क्या है। तो इस तरीके के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तुम्हें मालूम है किसी समय लतिका बिलनागा क्लब जाया करती थी, गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब
अब क्या फ़र्क पड़ता है, लेट द डेड डाई, ये जो डॉक्टर मुखर्जी हैं उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है। लतिका वह तो बच्ची है पागल, मरने वालों के संग थोड़े ही मरा जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर कहानीकार द्वारा एक इशारा किया गया है, कहानीकार बार बार कहानी के माध्यम से ये कहता है कि जो लतिका है उसको मूव ऑन करना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए और उन स्मृतियों को जिनको जीने का अब कोई मतलब नहीं है उनको उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो गिरीश नेगी का प्रेम है, जो सहज आकर्षण है, जो साहचर्य का प्रेम है, जो उसका प्रथम परिचय है, जो उसका प्रथम प्रेम है, उसे लतिका छोड़ नहीं पा रही है, उन स्मृतियों से लतिका मुक्त नहीं हो पा रही है और इसीलिए मुखर्जी उसको बच्ची कहता है। वह कहता है कि पागल मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। क्या कहती हैं मेम साहब, आपके रहने से हमारा भी मन लगा रहता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते होते हैं। मतलब एक प्रश्न है जो बार बार पूछा गया है, कम से कम कुछ नहीं तो कहानी में 5 से 7 बार ये बात प्रश्न लतिका से पूछा जाता है कि इन छुट्टियों में आप यहीं रुकने वाली हैं क्या, और इसका जवाब होता है कि कई बार वो कहती है कि हमने सोचा नहीं है, कई बार वो कहती है कि हाँ मुझे यहीं रुकना है, कई बार कहती है उसे स्नोफॉल अच्छा लगता है। मतलब वो तरह तरह से अपने मन को जो है बहकावा दे रही है। क्या कहती हैं मेम साहब, ये जो करीमुद्दीन का प्रश्न है, जो करीमुद्दीन लतिका से पूछता है और अपने आश्वस्त होने के लिए, क्योंकि करीमुद्दीन जो है उसको भी इस बार वहीं रुकना है, तो इसलिए जब वह पूछता है कि क्या कहती हैं मेम साहब, आपके रहने से हमारा भी मन लगा रहेगा, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लूटते हैं। एक आवासीय विद्यालय का जो पूरा की पूरी जो एक इमेज होती है उसको क्रिएट करने का प्रयास यहाँ निर्मल वर्मा ने किया है। और यहाँ जो स्मृतियाँ हैं गिरीश नेगी को लेकर के लतिका के मन में, उसका भी चित्रण आपको देखने को मिलता है। जो सहज है उसके जाने के बाद जो चीज़ें बार बार लतिका सोचती रहती है कि गिरीश, यहाँ पे एक कथन लिखा गया है कि उसके बालों में गिरीश का हाथ उलझ रहा है, फूल कहीं टिक नहीं पाता है, फिर उसे क्लिप के नीचे फंसा कर उसने कहा देखो वह मुड़ी, और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती गिरीश ने अपना मिलिट्री का हेड धप से उसके सर पर रख दिया। लतिका सुनो, गिरीश का स्वर कैसा हो गया था, ना मैं कुछ नहीं सुन रही, लतिका मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊँगा, ना मैं कुछ भी नहीं सुन रही, किंतु वह सुन रही थी, वह नहीं जो गिरीश कह रहा था, किंतु वह जो नहीं कहा जा रहा था, जो उसके बाद भी कभी नहीं कहा गया। तो ये क्या है, ये इस प्रकार के जो संवाद योजना है इसको इस कहानी के अंदर व्यक्त करके, इस कहानी के अंदर शामिल करके निर्मल वर्मा यह बताना चाहते हैं कि जो वो सुख है, प्रेम का जो सुख है, वो स्मृति में उसके अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है लतिका के, वो पूरी तरीके से बना हुआ है, पूरी तरीके से जीवंत है और लतिका बार बार उसी को जीती रहती है। और उस झुंझलाहट और उस सनकीपन जो एक तरीके का है, उससे वो मुक्त नहीं हो पा रही है लतिका जो है। अपनी झुंझलाहट दबा कर वह मुस्कुराते हुए बोली कि कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा, पिछले 2-3 सालों में मिस लतिका ही रह रही हैं, ये जो स्कूल है इसमें मिस लतिका ही अकेले रहती हैं, सब लड़कियां जो सभी हैं वो छुट्टियों के दिनों में अपने घर चली जाती हैं, लेकिन लतिका क्या है, घर उसे भी जाना होता है। लेकिन अब इतने सालों बाद घर वालों को भी ये पता हो गया है कि लतिका नहीं आएगी, और लतिका को भी ये पता हो गया है कि अब उसको इस विद्यालय में ही रहना है, उसे यहीं अच्छा लगता है और वो उसको छोड़कर कहीं नहीं जाती। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते, शुबर्ट छुट्टियों में कहीं नहीं जाता। तो इस प्रकार का एक जो पूरी की पूरी कहानी में अजनबियत, अकेलापन का जो भाव है वो चित्रित किया गया है। मिस लतिका आप कहीं छुट्टियों में जाती नहीं, सर्दियों में तो यहाँ सब वीरान हो जाता है, अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो चुकी हूँ। क्रिसमस से एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है, रात को देर तक नाच गाना होता है। नए साल के दिन कुमायूं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है, बर्फ पर स्केटिंग होती है, रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजता है। ये सब क्या है, ये सब पूरा का पूरा एक विवरण है जिसके माध्यम से कहानी को बड़ा किया गया है, कहानी को जीवित किया गया है। लेकिन इस कहानी की जो मूल संवेदना है वो कहीं ना कहीं लतिका और लतिका की स्मृतियों के इर्द गिर्द, जो उसकी अपने प्रेम को लेकर के स्मृतियां हैं उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने लगती है, छुट्टियां ख़त्म होने लगती हैं, आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट, पता भी नहीं लगता कि छुट्टियाँ
कब शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई, ये बात जो है ये बातचीत ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी के बीच हो रही है, क्योंकि डॉक्टर ह्यूबर्ट और मुखर्जी जो है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं विद्यालयों में रह जाते हैं और छुट्टियां किस प्रकार आती जाती हैं इस पर वे चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? इस प्रकार के जो सवाल हैं वो ह्यूबर्ट कभी जो है डॉक्टर मुखर्जी से, कभी डॉक्टर मुखर्जी लतिका से, इस प्रकार वे एक दूसरे से पूछते रहते हैं, क्योंकि सभी को जो है प्रवास के जो ये दिन हैं ये काटने कई बार मुश्किल होते हैं, लेकिन परिस्थितिवश उनको इस प्रवास को जीना पड़ता है। तो इस प्रकार ये कहानी में कुछ मुख्य पात्र रहे हैं। इस कहानी में एक प्रमुख संवाद यह भी है कि हमारा बड़प्पन सब देखते हैं, हमारी शर्म केवल हम देखते हैं। अब वैसा दर्द नहीं होता जो पहले कभी होता था, तब उसे अपने पर ग्लानी होती थी, वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती थी जो भरता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद भरता जा रहा है। तो इस प्रकार की पूरी संवाद योजना के माध्यम से, पूरी की पूरी घटना के माध्यम से एक कहानी को, कहानी के बड़े फलक को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इस कहानी में जो खास बात है वो इसका नयापन है। इस प्रकार की कहानी आपको हिंदी में इसके पहले नहीं देखने को मिलती है, और इसीलिए नामोर सिंह ने निर्मल वर्मा की कहानी नई कहानी को नई कहानी कहा है। इस कहानी में आप देखेंगे तो आधुनिकता बोध मिलेगा, आधुनिक समाज मिलेगा आप, जिसमें कई बार चाह करके भी वे चयन की जो समस्या है वह आपको देखने को मिलती है, नगरीय बोध देखने को मिलता है, अजनबीपन, अकेलापन, सनकी और संकालु प्रवृत्ति देखने को मिलती है, संवादहीनता देखने को मिलता है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच हताशा, आत्मकेंद्रित भीड़ और अकेलापन, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कुछ खास बात और परिंदे के बारे में अगर की जाए तो घटनाओं की कमी आपको देखने को मिलती है, बहुत कम घटनाएँ इस कहानी में घटती हैं। अंतर्मुखी पात्रों की प्रधानता है, पात्र बहुत कम बोलते हैं, जो भी पात्र बोलते हैं वो परिस्थितिगत जो उनके अनुभव होते हैं उनके अनुसार ही बोलते हैं, अधिकांश स्वगत कथन है, बीच बीच में लेखक के द्वारा ही ज़्यादा बातें की गई हैं, सरल संक्षिप्त और सहज संवाद हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं जो भारतीय पात्रों के द्वारा बोले जाते हैं, ये कहानी का नयापन है। जैसे कि हॉस्टल है, हिल स्टेशन है, रजिस्टर, लैंप, लॉन, चीड़, सोपा, चेस्की, क्रीम कॉफ़ी, कन्फेस, परकोलेटर, स्प्रिट लैम्प, सिगार बार, बिलियर्ड्स, टेरेस, मोमबत्ती, कैंटोनमेंट, कॉरिडोर, कैंडलब्रियम, पियानो, प्रेयर हॉल, चैपल, इस प्रकार के जो शब्द हैं, इसके अलावा देशज, तस, तत्सम, विदेशज, तद्भव, ऐसे शब्दों का सहज निर्वाह कहानी में किया गया है। सीमित परिवेश, गिने चुने पात्र, प्राणवान पात्र और प्रभावशाली पात्रों का चित्रण किया गया है। वर्णन, संकेत, संवाद और घटनाओं के माध्यम से चित्रांकन करने का प्रयास किया गया है। हमने पहले भी बताया आपको कहानी में कुल 8 पात्र हैं। हताश और आत्मकेंद्रित नायकों की व्यथा कथा कही गई है। आप सोच रहे होंगे इस प्रकार के अंतर्द्वंद हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, ये ऊपर हमने आपको बताया है कि प्राणवान और प्रभावशाली पात्र ये जरूर हैं, लेकिन साथ ही साथ ये हताश भी हैं और आत्मकेंद्रित भी हैं, जिसको ये कहीं ना कहीं बार बार कहानी में छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। बदलते जीवन मूल्य आपको देखने को मिलते हैं कि लतिका जो है वह घर भी जाना चाहती है, डॉक्टर वर्मा है वे घर जाना चाहते हैं, लेकिन वे फिर भी जो है घर नहीं जाते। नायकों की महत्वाकांक्षाएं हैं जो उन्हें घर और प्रवास के जीवन के बीच में उनके अंतर्द्वंद में फंसाए रखती हैं। दुख है, प्रसन्नता है, मिलन, हताशा और कुंठा है, स्वबोध से ग्रस्त होते जाते पात्र हैं। प्रथम प्रेम का महत्व भी इस कहानी में खूब दिखाया गया है। सहज आकर्षण, साहचर्य और सहज परिचय का जो महत्व होता है, गिरीश नेगी और लतिका के बीच ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इसको परिंदे कहानी में व्यक्त करने का प्रयास किया गया। स्त्री मनोदशा का स्वभाव एक अंकन और निर्दन चित्रण किया गया है। प्रेम का विस्तृत फलक पर चित्रण किया गया है। प्रेम के त्रिकोण को दिखाया गया है। प्रेम की स्मृति को दिखाया गया है। प्रेम घटित होने के बाद जो द्वंद होता है उसको दिखाया गया है। जीवन की स्थिति, गति एवं संतुलन को लेकर अनेक सवालों पर चिंतन किया गया है। स्व एवं पर प्रेम, स्व प्रेम कहाँ, स्व से आशय है कि जो लतिका का अपना चुनाव था, जिसमें लतिका ने गिरीश नेगी से प्रेम किया था, और पर प्रेम जहाँ ह्यूबर्ट की तरफ से प्रेम का निवेदन तो आता है, इस प्रकार के जो है दो जो प्रेम के निवेदन हैं उनमें जो द्वंद होता है, उन चुनाव में जो द्वंद होता है उसको भी बखूबी कहानी में चित्रित किया गया है। घर, परिवार, लोक और प्रवास को लेकर चिंतन है। आधुनिक शिक्षित समाज की नीरस जीवन शैली,
सभी पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी सबकी जीवन शैली क्या है, नीरस है, अकेलेपन, एकांत के चुनाव को लेकर के असमंजस की स्थिति है, उनको समझ नहीं आ रहा है। अकेलेपन और एकांत का अंतर भूत, वर्तमान और कुछ अंशों में भविष्य का चिंतन है। सुधा, जूली और हिवर्ट के प्रेम के संदर्भ में लतिका की तटस्थता, इन तीनों के प्रेम को अगर आप देखेंगे और लतिका की स्थिति देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लतिका प्रेम में किस प्रकार प्रेम के अंतर्द्वंद को जी रही है। तो इस प्रकार अगर कहानी परिंदे के मूल संवेद्य की बात की जाए, जो जिस्ट है इस कहानी का, इन सारी बातों के बाद, तो परिंदे कहानी उन बिलक प्रेमियों का प्रतीक है जो अपने वास्तविक स्थान से दूर हटकर एक पहाड़ी पर एकत्र होते हैं, एक निश्चित समय तक रहने के बाद अपने गंतव्य पर चले जाते हैं। किंतु कहानी परिंदे के सभी पात्र एक ही स्थान पर रहने को अभिशप्त हैं। शंका, संशय, प्रश्न, चिंता, स्मृति, दर्शन उन्हें चैन लेने नहीं देते हैं। उनका प्रश्न है, हम जाएं तो जाएं कहां। तो इस प्रकार ये रही पूरी की पूरी कहानी परिंदे की, जो महत्वपूर्ण कथ्य थे, जो महत्वपूर्ण संवाद योजना है, उसके माध्यम से इस कहानी को समझाने का हमने प्रयास किया है। आप इस कहानी में जो महत्वपूर्ण संवाद हमने लिखे हैं उनको आप नोट करेंगे, साथ ही साथ जो प्रमुख पात्र हैं जिनके बारे में हमने बात की है उनको आप नोट करेंगे, उनके कथनों को नोट करेंगे। और NTA नेट TRF के जो मित्र हैं वे इस वीडियो को बार बार देखेंगे, कम से कम आप 3-4 बार इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो इस पूरी की पूरी कहानी, आपको ये इंटरेस्टिंग कहानी जो है समझ में आ जाएगी और इससे आने वाले प्रश्न भी आपके दोबारा गलत नहीं होंगे। साथ ही साथ निर्मल वर्मा पर हमने जो बात की है, निर्मल वर्मा का जो परिचय दिया है वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार ये रहा आज का वीडियो। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई प्रश्न, कोई सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें ज़रूर लिखें। साथ ही साथ एक कहानी आपको सुनकर के कैसी लगी, इस कहानी के बारे में जो बातचीत कैसी लगी वह आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि हम आगे जो है NTA नेट TRF के पाठ्यक्रम में लगी हुई अन्य कहानियों के बारे में भी बात कर सकें। अगला वीडियो लेकर के हम बहुत शीघ्र आ रहे हैं, तब तक के लिए